कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्यपाल संतोष गंगवार से अपील करते हुए कहा है कि हेमंता विश्व शर्मा को वह समय नहीं दे। राजेश ठाकुर ने कहा है कि हेमंता को समय देने की बजाय बाबूलाल मरांडी को समय राज्यपाल को देंगे। हेमंता ने रांची आने पर राज्यपाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों की कारनामे उजागर करने का दावा किया है। जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है, अगर कोई विशेष बात हो तो उनको बताना चाहिए। जब अपराधी पकड़े गए हैं तो किस बिहाफ पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हर बात में बोलना जरूरी है तो बोलते रहें, समस्या बताते हैं, समाधान बताइए आप कि कैसे इस पर रोक लगे। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जो वकील साहब की हत्या हुई उसके लोग पकड़े गए हैं, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उन राजनीतिक मकसद है, उनको राजनीति करने दीजिए। हम लोग अपने काम में संजीदा होकर के काम कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जिनके रहते इस तरह की घटना हो रही है। सर, लोकसभा चुनाव भी नहीं की थी। चुनाव जब संपन्न होने लगता है, जब सारी कार्यविधि चालू होती है, जब चुनाव का ऐलान होता है, तभी हम लोग उम्मीदवार का ऐलान करते हैं। तो इसलिए उसमें कोई कहीं कोई ये कि पहले देरी हुई थी और अब जल्दी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। समय आने पर, समय समय पर अपनी पार्टी अपना निर्णय लेती है। सर, संथाल परगना में बाबूलाल मरांडी जी किसी लायक नहीं रहे हैं तो हेमंता विश्व शर्मा को आना पड़ रहा है, शिवराज चौहान आएंगे। यहाँ तो कोई लीडर है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद बचा नहीं है, तो इस तरह की बातें करते हैं। गवर्नर साहब को आकर के बताएंगे, आप अपने गवर्नर के यहाँ जाके बताइए ना कि किस तरह बाढ़ में हालात हैं और क्या राज्य के हालात हैं। उनको अपने गवर्नर साहब को ब्रीफ करना चाहिए, ना कि झारखंड के गवर्नर को ब्रीफ करना चाहिए। गवर्नर साहब संजीदा व्यक्ति हैं, वो सारी राजनीति समझते हैं। हम तो ये समझते हैं कि महामहिम राज्यपाल समय भी क्यों देंगे, उनको समय देना होगा तो बाबूलाल मरांडी को देंगे, हेमंता विश्व शर्मा को क्यों समय देंगे? तो हम समझते हैं संजीदा आदमी है, वो समझदारी से काम लेंगे। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।